हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कल के बजट डे के बारे में। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है और जिस तरीके से बजट में यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से कुछ डिसीजन आएंगे उसी के चलते हुए बहुत सारे जो डिफरेंट सेक्टर हैं वहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। तो हमें फोकस करना है उन सेक्टर पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर और उसी से रिलेटेड स्टॉक जिसपे हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उसी के साथ हम यहाँ पर हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं, जहाँ पे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स और बाकी के जो न्यूज अपडेट हैं हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, तो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, हमें यहाँ पे बजट डे पे क्या देखना है और निफ्टी कैसे बिहेव करने वाला है, उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे बताया कि स्टॉक इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या कहाँ ध्यान रखना चाहिए और उनकी क्या डिमांड है। 2004 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इन्होंने रिप्लेस किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, लेकिन बजट 2018 में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये वापस लेके आए थे और एसटीटी जो है वो भी अबोलिश नहीं किया था। मतलब अभी एसटीटी और एलटीसीजी दोनों यहाँ पे हैं, तो अभी इन्वेस्टर चाहते हैं कि एसटीटी जो है ये हटा दिया जाए और उसी के साथ जो एलटीसीजी है ये भी हटा दिया जाए। जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बजट 2022 में एसटीटी हटा दिया जा सकता है। अब देखिए, एसटीटी से जो रेवेन्यू मिलता है वो है 5000 करोड़ का और एलटीसीजी का जो कलेक्शन है 1920 में 3460 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 2021 में 5311 करोड़ का। तो देखिए, गवर्नमेंट को इस तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एसटीटी हटा देगी। अब हमें डर किस बात का है, आने वाले हैं इलेक्शन, वो भी 7 स्टेट में, और ये इलेक्शन के चलते हुए बहुत सारे लोगों को डर है कि ये जो बजट है ये पॉपुलिस्ट हो सकता है। मतलब इस बजट में वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि उनको आने वाले इलेक्शन में ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बाकी के जो सेक्टर हैं उनको थोड़ा इग्नोर हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है बाकी के सेक्टर के लिए। अब देखते हैं हमारे सेक्टर कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे फोकस में है। तो पहला जो सेक्टर है वो है एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड सेक्टर, जहाँ पे ये गवर्नमेंट इंक्रीज करने का सोच रहे फंड फ्लो एग्री सेक्टर में। यहाँ पे उन्होंने बताया यूनियन बजट 22-23 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो कमिटमेंट है डबल फार्मर इनकम, इसके चलते हुए ये लोग जो अलोकेशन है इस सेक्टर में बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट का फोकस है बिल्डिंग परफेक्ट एग्रो एनवायरनमेंट। तो इन चीजों का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे जो स्टॉक्स है जो कि नजर में रहने चाहिए, फर्स्ट है दीपक फर्टिलाइजर, यूपीएल, आरसीएफ, हेरम्बा, आरती इंडस्ट्रीज और फैक्ट। दूसरा जो सेक्टर है वो है रियल इस्टेट सेक्टर, यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इनको टैक्स रिलीफ मिले। इसी के साथ रियल इस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का अगर यहाँ पे स्टेटस मिलता है तो ये रियल इस्टेट सारे स्टॉक्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। ये लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि होम बायर्स को एक टैक्स रिलीफ मिले, जो कि इनका टैक्स डिडक्शन लिमिट है 2 लाख पर एनम से अगर ये बढ़ा दी जाए 5 लाख पर एनम, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है री इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में, जो इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट है प्रॉपर्टी प्राइसेस ये अंडर कंट्रोल रहेंगे। यहाँ पे नवदीप सारदाना जो सीएमडी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है 2022-23 बजट से कि यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसको अवार्ड किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के साथ। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा जो है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, शोभा, आईबी रियल इस्टेट, पूर्वांकरण। तीसरा जो सेक्टर है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया जो है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर साइज की इकोनॉमी है, जो कि एम करके चल रही है 5 ट्रिलियन डॉलर बाई 2025, और इसी के लिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, जो कि प्रोवाइड करती है बूस्टर डोज हमारे इकोनॉमी के लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आते हैं एलएनटी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर और भेल। फोर्थ जो सेक्टर है वो है पावर सेक्टर का, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से रिन्यूएबल एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन में। जो हमारा गोल है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, इसके चलते हुए हमें पावर सेक्टर में कुछ फोकस दिखाई दे सकता है। जो पावर सेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे लगेंगे चार्जिंग स्टेशन। कंट्री को हमारे 4 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी 2026 से, क्योंकि हम ईवी टारगेट रख रहे हैं बाय 2030 का। तो पावर सेक्टर में हमारे स्टॉक्स जो है वो ध्यान में रहने चाहिए, वो है पावर ग्रीन, केईसी इंटरनेशनल, टाटा पावर और एनटीपीसी। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जीएसटी में यहाँ पे रिडक्शन हो जाए, उसी के साथ जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं कॉटन पे उसका भी स्क्रैपिंग के बारे में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन चल रही है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जो जीएसटी लगाते हैं 5% पहले लगाते थे, जो कि बढ़कर हो गई है 12%,
इफेक्टिव फ्रॉम 1st of Jan 2022। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से इसको रोल बैक करके 5% यहाँ पे GST कर दी जाए। जिस तरीके से यहाँ पे कॉटन के जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रही है कि कॉटन प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन, रिडक्शन इन मार्जिन मनी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आए, जिसकी वजह से इनका जो रॉ मटेरियल है वो उनके लिए थोड़ा कम दाम में मिल सकता है। उसी के साथ जो बजट में ये लोग ऑफर कर रहे हैं रिडक्शन और स्क्रैपिंग ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, जो कि 10% लगती है कॉटन इम्पोर्ट करने पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर स्टॉक्स देखें तो ध्यान रखना चाहिए AB फैशन, अरविंद, रेमंड, ट्राइडेंट और KPR मिल्स पे। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की थीम लेकर चल रहे हैं। इसी के चलते हुए यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि एक्सपेक्ट करने वाले हैं मच रिक्वायर्ड लाइट टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटो सेक्टर ये इंडिया का टॉप कंट्रीब्यूटर है GDP में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लाई स्कीम और उसी के साथ इंसेंटिव ऑफर किए हैं ऑटो सेक्टर के लिए EV मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब अगर यहाँ पे कोई डिसीजन आता है जो कि ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो तो वहाँ पे जो स्टॉक्स है वो रडार पे रखने चाहिए टाटा मोटर्स, मारुति, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स और बजाज ऑटो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।